नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए नई कहानी। तो जल्दी से बैठ जाओ कहानियों की ट्रेन में और हम कहानी शुरू करते हैं। आज हम एक खेत के बारे में सुनेंगे। वहाँ एक मुर्गा था, उसके ना चार बच्चे थे, कीकू, रीकू, मीकू और चीकू। वहाँ मालती गाय भी थी। बोली, कहाँ जा रहे हो? तो रीकू बोला, मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ। वहाँ कुकू भेड़ रहती थी, वो बोली, कहाँ जा रहे हो? तो मीकू फट से बोला, अरे मैं तो खाने जा रहा हूँ। जब वो लोग मकई के खेत के पास पहुँचे, वहाँ मकई के दाने देख के बहुत खुश हुए। और रीकू ने बोला, पापा मुझे तो बहुत वहाँ कुछ चमकती हुई चीज़ दिख रही है। तो मीकू ने बोला, चलो चलो जल्दी चलो, उसको देखेंगे क्या है वो। तो पापा ने बोला, नहीं मीकू, बदमाशी नहीं। मीकू बहुत बदमाश था, बट वो बात नहीं माना डैडी का और वो वहाँ चला गया और कहा, वाह पापा, ये तो एक चमकता हीरा है, हम ना इसे घर लेके जाएंगे और हम ना सबसे अमीर हो जाएंगे। तो रिकन पापा ने बोला कि बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इसका क्या करोगे? तो बोला, नहीं पापा, मैं तो इसे घर में रखूँगा और सब मुझे अमीर कहेंगे। तो पापा ने बोला, रीको बेटा, मीको बेटा, क्या तुम इसे खा सकते हो? तो बोला, नहीं पापा, हम तो इसे नहीं खा सकते, आप बुद्धू हो क्या? तो पापा ने बोला कि देखो, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, यानी कि हम इसे खा नहीं सकते, हम तो खा के अपना पेट भरा करते हैं ना, तो हीरा खा के हम अपना पेट नहीं भर सकते बेटा, तो हम उसे घर में ले जाकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो मकई के दाने ही कीमती है ना, जिससे हमारा पेट भरा करता है। तो चारों बच्चे कहे, पापा आप तो बहुत अच्छे, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई, यानी कि जो खाने का सामान है वो ज़्यादा कीमती है। सारे बच्चों को ना पापा की बात समझ में आ गई और वो बोले, पापा हम खाना नहीं फेंकेंगे और हम सब खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपना खाना नहीं फेंकना है।